हजारों संत वहां पर आने लगे, हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। अरे सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, संत महात्मा आने लगे। कहते हैं छह शास्त्र चारों वेद सत्रह प्राण सभी वेद की ऋचाएं भक्त बनकर आए हैं गोविंद कथा सुनने के लिए। प्यारे प्यारे इस भगवान की कथा को तो वेद भी सुनते हैं, वेद भी सुनते हैं। प्यारे सनत कुमार गोविंद कथा सुनाने लगे। ये मानवा पाप कृतस्य तो, कि जो व्यक्ति काशी में वास करने से, गंगा में जीवन पर्यंत स्नान करने से, अन्ना या से जो फल मिलता है वही फल भागवत श्रवण से मिल जाता है। प्यारे वही फल भागवत श्रवण से मिल जाता है। सनत कुमार से नारद जी कहते हैं, गुरुदेव बात तो समझ में कम आई, कोई भक्त भागवत सुनकर अगर भगवान से मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कभी कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनकर भगवान से मिल सकता है? सनत कुमार कहते हैं, नारद ये मानवा पाप कृतस्य तो सर्वदा सदा दुराचारता, कि जो व्यक्ति सदा पाप कर्म करता रहा, अगर पापी व्यक्ति भी सात दिन तक गोविंद कथा सुन ले तो प्यारे आठवें दिन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो पापी नहीं रहता। प्यारे वो पापी नहीं रहता। प्यारे सनत कुमार कहते हैं, जो व्यक्ति वैष्णव पद्धति से है, शंकर पद्धति से है, माँ किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी का, अगर वो व्यक्ति भी सात दिन तक गोविंद कथा सुन ले तो प्यारे आठवें दिन वैष्णव हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये भागवत की प्रतिष्ठा है। स्वयं नारद जी से संत कुमार कह रहे हैं। और यहाँ तक कहा है प्यारे, जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करता रहा, पाप कर्म करते 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 अकाल मृत्यु हो गई, अगर उसके नाम से, देखो आप कोई भी शास्त्र का काम करो वहां संकल्प जरूर बोला जाता है, संकल्प जरूर, बिना संकल्प के पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, आप संकल्प में गोत्र बोलो या मत बोलो फिर भी फल पूरा मिल जाता है। प्यारे पूरा मिल जाता है। भागवत में गोत्र की आवश्यकता नहीं है। सनत कुमार कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करता रहा, पाप कर्म करते करते अकाल मृत्यु हो गई, अगर वो व्यक्ति भी सात दिन तक उसके नाम से गोविंद कथा करा दी जाए तो प्यारे आठवें दिन वो प्रेत बनकर नहीं भटकता, देव बनकर भगवान के धाम को चला जाता है, मेरे गोविंद के धाम को चला जाता है। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव बात कुछ समझ में कम आई कैसे? सनत कुमार कहते हैं, नारद तुम भद्रा टटे, एक तुंगभद्रा नदी बहती है, उसके किनारे एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। यहाँ थोड़ा ध्यान देना प्यारे, आप लोगों ने गोविंद कथा सुनी होगी। आत्मदेव कौन था? हमने बहुत खोजा, भागवत में लिखा है तुंगभद्रा टटे, तुंगभद्रा तट पर एक पंडित जी रहते हैं, नदी है, लेकिन नदी तो कहीं है ही नहीं इस नाम की, फिर नदी क्यों कहा? ये आत्मदेव कौन थे? उनकी एक पत्नी है, नाम है धुंधली। पता चला घर में सब कुछ है, पुत्र नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं है। प्यारे घर में तुलसी माँ है, सूख गई, गौ माँ है, बांझ हो गई, बन में चली गई अपना प्राणांत करने के लिए। प्यारे कथा आती है कि किसी संत ने देख लिया, संत कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा सत्संगी मालूम होता है, जाकर आत्मदेव से पूछा, आत्मदेव अरे पंडित जी क्या बात है,
तुम इतनी उदास क्यों हो? आत्मदेव कहते हैं, गुरुदेव मुझे कोई पुत्र नहीं है प्यारे, इसलिए मैं अपना प्राण करने आया हूं, मुझे कोई पुत्र मिल जाए। संत कहते हैं, अरे आत्मदेव, अरे पंडित जी, वन में आए फिर भी संसार की कामना लेकर आए, ये संसार के पुत्र करते क्या हैं? जन्म हो तो आधारे, जवार हो तो धन छी, अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी। जवार हो तो धन छी, जैसे ही जन्म होगा तो जो पति पत्नी में आपस में प्रेम होता है, पुत्र होते ही वो बट जाता है प्यारे, वो प्रेम नहीं रहता। जन्म हो तो आधारे, जवार हो तो धन छीन, जैसे ही बड़ा होता है धन को अपना कहने लग जाता है। और याद रखना, संसार के बेटों के लिए तुम कितना भी कर लेना, संसार के बेटों के लिए आप कितना भी धन कमा कमा कर एकत्रित कर लेना, एक ही बात कहेगा प्यारे, तूने मेरे लिए किया क्या है, किया क्या है, तूने मेरे लिए क्या किया है? आप कहोगे हमने ये किया है वो किया है, तो बोलेगा दुनिया के बाप करते तेने का अनोखो करो, तूने मेरे लिए क्या किया है? अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दे। अरे प्यारे, अगर खोजना है तो भगवान को खोजो, ना मैं उससे दूर था ना वो मुझसे दूर था। हम लोग कहते हैं ना, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहीं और नहीं है प्यारे, ना मैं उससे दूर था ना वो मुझसे दूर था, आता ना नजर तो प्यारे नजर का कसूर था, नजर का कसूर था। भगवान तो हमारे समक्ष ही हैं, अगर वो नजर नहीं आ रहे, वो दिखाई नहीं दे रहे, तो हमारी आंखों के सामने पर्दा डला है। भगवान कभी हमसे दूर नहीं होते। आत्मदेव नहीं माना, आत्मदेव ने फल दे दिया। संत ने कहा, अरे आत्मदेव, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को आकर दिया और पत्नी से कहा, देवी इस फल को खा लेना। और धुंधली ने उस फल को खाया नहीं प्यारे, गौ माँ को खिला दिया, अपनी बहन का पुत्र लेकर कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने उसका नाम धुंधकारी रखा प्यारे। जो संत का प्रसाद जो गौ माँ को खिलाया था, ठीक 3 महीने बाद गौ माँ ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, उसी का नाम है गोकर्ण जी महाराज। बोली गोकर्ण भगवान की जय हो। उसी का नाम है गोकर्ण जी महाराज, कौन नहीं जानता प्यारे। धुंधकारी ने आत्मदेव के घर को नरक बना दिया। एक दिन आत्मदेव कहता है, बेटा तेरी ये मति ठीक नहीं है, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया, मैं कैसे रहूं? धुंधकारी ने आत्मदेव को फटकार दिया, प्यारे आज पूरी रात बैठकर आत्मदेव रोदन करने लग रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज आए, गोकर्ण जी महाराज जी आत्मदेव को पिताजी कहा करते थे, बोले पिताजी क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हो, आप कुछ उदास से महसूस होते हो, क्यों? आत्मदेव कहता है, बेटा मैं इस घर में रहूं तो रहूं कैसे, मेरे इस स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने नरक बना दिया, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, जो वन में चला जाऊं। एक काम करना, आज घर जाओ ना, अपने आप को एक कमरे में बंद करना और अपने आप से प्रश्न करना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? अगर मैं आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, ओहो मैं शरीर हूं तो शरीर मर जाता है। बेटा बेटी मेरे हैं क्या, जन्म लेने से पहले कहते हैं, पिताजी हम आ रहे हैं, पत्नी मेरी है,
शादी से पहले कौन जाने प्यारे, शादी से पहले कौन समझे अपने आप से प्रश्न करना मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अंतर्हृदय से एक ही आवाज निकल कर आएगी प्यारे, चल रे हंसा मरे लोक को यह कोई नहीं तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा, चल रे हंसा अमर लोक को यह कोई नहीं तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। आत्मदेव से गौकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी क्या वन में जाने से भगवान मिलते, और पिताजी अगर वन में जाने से भगवान मिलते तो हमसे पहले भगवान उस शेर को मिलने चाहिए जिसका जन्म ही वन में होता है। पिताजी अगर वन में जाने से गोपाल मिलते हैं तो हमसे पहले गोपाल उस गीदड़ को मिलने चाहिए जो जन्म ही वन में लेता है। पिताजी अगर गंगा में स्नान करने से भगवान मिलते हैं तो पिताजी हमसे पहले भगवान उस मछली को मिलनी चाहिए जो गंगा में ही जन्म लेती है, जो खाती भी गंगा का है और जल भी पान करती है तो गंगा माँ का। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, यह मन लालची कहूं ठहरत नाही, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत, ये तो गति है अटपटी जट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। जब तक ये मन की खटपट नहीं मिटेगी प्यारे तब तक भगवान का कैसे दर्शन होगा। कहते हैं ना किसी संत ने कहा है ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, हो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हरि बोल, स्वर सुधार लो पानी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, की तरंग मार लो बस हो गया भजन, ओ मन की तरंग मार लो Oh, oh, oh.
मार्गी दृष्टि में तेरे दोष है, तू देखता है क्या? दृष्टि में तेरे दोष है, तू देखता है क्या? दृष्टि में तेरे दोष है, तू देखता है क्या? दृष्टि में तेरी दोष है, तू देखता है क्या? ओ दृष्टि को बस सुधार लो, दृष्टि को बस सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, हे हरि, हरि राधे। कानों में तेरे दोष है, तू सुन रहा है क्या? कानों में तेरे दोष है, तू सुन रहा है क्या? कानों में तेरे दोष है, तू सुन रहा है क्या? कानों में तेरे दोष है, तू सुन रहा है क्या? कानों के स्वर सुधार लो, कानों के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। कानों की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। महाराज ने क्या कहा है? कौन कहां से आया और जाना है किधर? कौन कहां से आया और जाना है किधर? कौन कहां से आया और जाना है किधर? कौन कहां से जाना है किधर? और मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, 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 हो गया भजन।
बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अरे हम आंखों से जैसा दृश्य देखते हैं मन वैसा ही होता है। हम कानों से जैसा संगीत सुनते हैं क्योंकि मन को बिगाड़ने के यही दो मार्ग हैं। अगर हम दृश्यों से अपनी ज्योति से भगवान को देखेंगे तो मन हमेशा एकत्रित रहेगा। प्यारे एकत्रित रहेगा। कहते हैं ना किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मुझे देखना मेरा शरीर थरथर कांपता है, मेरे शरीर में कंपन रहती है, कमजोरी महसूस करता हूँ। उस डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर कहता अरे भैया तेरी तो शुगर है, देख भैया ज्यादा कोकी में मत लगे रहना, ये दवाई लो और नियम से दवाई लेते रहना और नियम करते रहना, कंट्रोल में रहेगी। वो व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब क्या ये बीमारी जाएगी नहीं? डॉक्टर कहता है ये शुगर की बीमारी कभी नहीं जाएगी, अगर नियम पर रहोगे तो कंट्रोल में रहेगी। उसी प्रकार से प्यारे काम क्रोध मद लोभ अहंकार कभी खत्म नहीं होंगे अगर इसके साथ में आप सत्संग लगा लोगे, अगर इसके साथ में आप सत्संग का चस्का जोड़ दोगे तो प्यारे हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। प्यारे कंट्रोल में रहेंगे, ये कभी बिगाड़े नहीं। प्यारे काम क्रोध मद लोभ कभी खत्म होने वाली वस्तु नहीं है। प्यारे आप लोग सोचो कि ये खत्म हो जाएगी, कभी नहीं, ये हमेशा बना रहेगा। आप कितना भी प्रयत्न, अरे बड़े से बड़े साधु नहीं जीत पाए, बड़े से बड़े महात्मा नहीं जीत पाए तो हम कैसे जीत सकते हैं। प्यारे और याद रखना अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे, जैसे 1,00,000 रुपए का फोन ले लो चाहे 10,00,000 का ले लो, जब तक वो 1 घंटा चार्जर के साथ में नहीं जुड़ेगा ना वो रद्दी है, वो किसी काम का नहीं है, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो। उसी प्रकार से ये जीवन, अगर इस जीवन को आप सत्संग से चार्ज करते रहोगे तो जीवन अमूल्य हो जाएगा, अगर वैसे ही रखोगे प्यारे तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस जीवन को आप सत्संग से जोड़ दो, जब तक आप सत्संग से नहीं जोड़ोगे तब तक जीवन कैसे बदलेगा प्यारे। और याद रखना अगर भगवान से मिलना है, अगर मेरे कन्या से मिलना है तो सत्संग में जाना होगा प्यारे, जाना होगा। सांवरे से मिलने का सत्संग ही माना है। अगर मेरे कन्या से मिलना है तो एक सत्संग ही तो है। आत्मदेव कोई और नहीं था प्यारे। तुंग भद्रा का मतलब क्या है? तुंग भद्रा किसे कहा गया है? तुंग माने श्रेष्ठ, तुंग माने श्रेष्ठ और भद्रा माने कल्याण। ये शरीर श्रेष्ठ है, इसमें बह रही नदी रुद्र मांस मज्जा हड्डी, ये शरीर श्रेष्ठ है और इसी शरीर के माध्यम से कल्याण हो सकता है। और याद रखना प्यारे आत्मदेव कोई पंडित जी नहीं थे, हर जीव के अंदर रहने वाली आत्मा ब्राह्मण है प्यारे, ब्राह्मण है प्यारे। हर जीव के अंदर वास करने वाली आत्मा ब्राह्मणता है, दुदली कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है जो हमारे शरीर को हमेशा विकृत करती रहती है, हमेशा बिगाड़ती रहती है। धुंधकारी कोई और नहीं प्यारे,
हमारा अहंकार ही तो है, गोकर्ण कोई और नहीं, हमारा विवेक ही तो है। बोलना दो बड़ेगा, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, 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 हो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो मेरा मेरे सावरे से, मेरा मेरे सावरे से बड़ा रिश्ता पुराना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हरि बोल, हरि बोल, वृंदावन में ढूंढा तुझे और मथुरा में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे और वृंदावन में ढूंढा तुझे, ओ वृंदावन में ढूंढा तुझे और मथुरा में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे और मथुरा में ढूंढा तुझे, ओ गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, सत्संग परेशानी में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, परेशानी में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, परेशानी में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, सारे में ढूंढा तुझे, ओ नंद गाम की गलियों में, अरे नंद गाम की गलियों में ओ हन का ठिकाना है, सावरे से मिलने का सत्संग आहा।
संतों में ढूंढा तुझे और भक्तों में ढूंढा तुझे, संतों में ढूंढा तुझे और भक्तों में ढूंढा तुझे, संतों में ढूंढा तुझे सभी भक्तों में ढूंढा तुझे, संतों में ढूंढा तुझे सब भक्तों में ढूंढा। और प्यारे भक्त कहता है कन्या मैंने तुझे संतों में ढूंढा भक्तों में ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी नजर नहीं आए, ना मैं मुझसे दूर था ना वो मुझसे दूर था, आता ना नजर तो प्यारे नजर का कसूर था, बताओ भगवान कहाँ रहते, भगवान कहाँ पर है, कौन कौन जानता है भगवान कहाँ मिलते हैं। आप लोग भगवान के इतनी प्रिय भक्त हो, अरे अभी थोड़े दिन पहले ही गोविंद गद्दा पे राम हुई है, कहाँ पर रहते भगवान कौन बताएगा, कहाँ पर है बताओ, भक्तों के हृदय में, अरे भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, रावण से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, मेरा मेरे सावरे से, मेरा मेरे सावरे से कोई रिश्ता पुराना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, भक्तों में ढूंढा तुझे संतों में ढूंढा तुझे, हो भक्तों में ढूंढा तुझे और संतों में ढूंढा तुझे, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरी श्याम का ठिकाना है, और सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलना तो पड़ेगा, याद रखना प्यारे, धर्मी दांत बने रहते हैं दातुन नित्य चबाने से, अगर नित्य प्रतिदिन हम नीम की दातुन करते रहें तो दांत स्वस्थ रहते हैं, दांत बने रहते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होती नित्य नियम से नहाने से, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ते गौ के घृत खाने से, तन में चिंता नहीं रहती तन को चिंता नहीं सताती, नित्य हरि गुण गाने से
अगर हम निरंतर भगवान का भजन करती रहें तो ये भगवान की माया, ये चिंता हमें कभी नहीं सताएगी। प्यारे हमें कभी नहीं सताएगी। सनत कुमार गोविंद कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं परीक्षित भागवत के कुछ नियम और हैं। आप लोग 7 दिन तक नियम से गोविंद कथा सुनोगे, नियम करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन करेगा? ऊपर ही हाथ रखियो, नीचे मत करियो। हाँ, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित 7 दिन तक श्रोता तथा वक्ता दोनों को घी पी कर रहना है। 7 दिन तक सिर्फ घी पीना है। अब बताओ कौन कौन रहेगा? सिर्फ घी और कुछ नहीं। बोले महाराज घी की बात करो, पहली डायबिटीज है, पहली शुगर के पेशेंट है आप घी की। और अरे डॉक्टर ने पहले मना कर दिया कि रोटी चुपर के नहीं खानी, आप कह रहे हो कि घी पी। सुखदेव भगवान बोले ठीक है। दूसरा नियम, चाहे आप जो मर्जी करो लेकिन फलहार लेकर तो रह सकते हो। एक टाइम फलहार लेकर ले लो। बोले महाराज जी कर लो बात, बैठे होंगे कथा में और याद आएंगे पकौड़ी। होता है कि नहीं होता? एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह से सांझ तक कढ़ाई चलती रहेगी, सारे दिन कहेंगे आज तो हम व्रत रहे कछु ना खाए। बोले वो सारे दिन कढ़ाई चली, वो तो थोड़ा बहुत फलहार बनाया था। उसको फलहार नहीं बोलते, उसे फुलहार बोलते। कि एक अन्न तो ना खानो, बाकी को तो सब कछु जानते। कहा दिक्कत? सुखदेव भगवान कहते परीक्षित भोजनम तो वरे मन्ने कथा श्रवण। चाहे भोजन आप 5 बार करो, जैसे कथा में मन लगे वैसे कथा सुनो। भोजन के लिए इसलिए मना किया जाता है, भोजन करने के बाद आलस्य निद्रा सताती है, आपको गोविंद नाम में नींद ना आ जाए। लेकिन एक संत बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर आप इस गोविंद कथा में आकर सो भी जाओगे तब भी कल्याण हो जाएगा। प्यारे तब भी कल्याण हो जाएगा। उससे पूछा गया कि गुरुदेव क्या कहते हो, आप भगवान की कथा में आकर सो जाओ तब भी कल्याण हो जाएगा, कैसे? तो यहाँ श्रोता 3 प्रकार के बताए हैं। एक है श्रोता जो मन लगा कर सुनता है, दूसरा है श्रोता सरोता जो मुख में सुपारी गुटका बीड़ी सिगरेट खाता रहता है, 24 घंटे मुंह भरा रहता है, वो 3 घंटे यही बताएगा इसमें ये कमी है इसमें वो कमी है, उसके 3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। और तीसरे नंबर के तो बड़े प्यारे होते हैं साहब, ये तीसरे नंबर वाले यहाँ पहुंच जाते हैं ना, वहां पर बड़ी शांति होती है, जाते ही सो जाते हैं, क्योंकि घर में तो कोई सोने ना दंदी, कथा में कौन टोके। बोलो राधे राधे राधे। कहीं कथा हो रही थी, एक बाबा नित प्रतिदिन आकर सो जाते, उसकी बगल में एक छोरा बैठो रहते। एक दिन ब्यासी ने बुलाया, छोरे ये तेरे बाबा क्या घर पे सोते नहीं है? बोले नहीं सोते। बोले क्यों? बोले घर में ना मेरा छोटो भैया पप्पू वो नहीं सोने देता। बोले क्या मतलब? बोले जैसे मेरे भैया रोवे मेरी मम्मी आए के बाबा की गोदी में बाइक गिर दे। बोले यार खिला ले, आके बाबा की गोदी में गिर देती है, अब मम्मी तो जाके सो जावे। मम्मी तो जाके सो जाती है पर लेकिन बाबा पूरी रात लाला को लेकर खिलाता रहता है। लाला लाला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बता सो बाबा करे तमाशो। बाबा पूरी रात तमाशा करता रहता है। ब्यासी बोले एक काम करियो, 1 रुपया ले पर लेकिन कल बाबा को सोने मत दीजो।
बोल ठीक है, अब ब्याज जी से एक रुपया ले गो। अगले दिन जैसे ही बाबा सो में वैसे ही वो छोरा जगाते, बोले बाबा कथा सुनो। कथा विश्राम हुई, बाबा ने पूछा छोरे आज तेने में सोने क्यों नहीं दिया। वो बोलो, बोले बाबा तो को नहीं बतो, ब्याज जी ने तुम्हें जगाने का एक रुपया दिया। बोले अच्छा, बाबा बोले दो रुपया ले, कल जगइयो मत, कल जगइयो मत। बोल ठीक है। अब आराम से खर्राटे मारे के बाबा सोए, ब्याज जी ने फिर बुलाया, चोरे तेने क्यों नहीं जगाया बाबा को। बोले एक रुपया अपनो वापसी लो, अब तनखा बढ़ गई है। बोले क्या मतलब? बोले बाबा ने पहले ही हमें दो रुपया दे दिए, कहने का भाव कि आप कथा में आकर सो जाओगे। किसी आप कहीं नौका में बैठे केवट से कहा, अरे भैया केवट हमें उस पार उतार देना, और नौका में सो भी गए। अब केवट जैसे तुम्हारा घाट आएगा तुम्हें जगा कर कहेगा, अरे भैया बैठे हुए आपका घाट आ गया, आपको सुरक्षित उतार देगा। उसी प्रकार से आप सत्संग में आकर अगर सो भी जाओगे, जैसे ही आपसे कहा जाएगा बोलना दो पड़ेगा। एक बार तो राधे नाम तुम्हारे कान में जाएगा और उसी नाम से तर जाओगे, प्यारे तर जाओगे। रहा दे राधे का मतलब ये है, हे राधे रानी हमें मार्ग दिखा दो, हमें सदमार्ग पर लगा दो। और प्यारे राधा नाम तो बहुत सुंदर है। हो मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी राधा रानी को, सामने राधा जी
सपनों की स्वामी राधा जू तीन लोक चौदह सपनों की स्वामी राधा जू शरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को देवी हमारी राधा रानी को श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को कट जाती राधा राधा रथ ते ही भव व्याधा कट जाती राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती राधा राधा रथ ते से भव व्याधा कट जाती ओ दुख दूर दुख दूर दुख दूर करन को काम हमारी मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को